जी हमने वो सामने उस जगह पे जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक छोटी सी राइड हमारी बन फ़कीरों के लिए, इंशाल्लाह से हम ट्रैकिंग करके ऊपर जाएंगे। बाकी हम भी ये मार्बल एवेन्यू पे पहुंचने वाले हैं, तो चलते हैं, घूमते फिरते हैं, साथ आपको भी दिखाते हैं। हाँ जी, और यहाँ से यू टर्न लेते हैं वापस मार्बल एवेन्यू के लिए। बस ये सामने जी शाह लगता आ गया, यहाँ से हम लेफ्ट होंगे और विलेज में पहुँचेंगे। जी और अभी हम ये शाह लगता केव्स के आगे खड़े हैं और हमने ये ट्रैक करके जाना है जी 2 किलोमीटर का ऊपर बन फ़कीरा। और ये जी रहमान साहब, यासीन साहब और ये जी शाहजेब साहब हैं। तो बस अभी जी ट्रैक शुरू करते हैं और ऊपर चलते हैं, बाकी फिर रास्ते में बातें करते हैं आपसे। जी और अभी हमने ट्रैक शुरू किया है बन फ़कीरा का, तो चल रहे हैं ऊपर। आहिस्ता आहिस्ता मौसम आज अच्छा है, गर्मी नहीं है, तो बहुत इजी हो जाएगा ट्रैक। अगर गर्मी हो तो फिर तो बुरा हाल हो जाता है। जी यहाँ पे अगर आते हैं ना इस जगह पे, तो यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं ऊपर बन फ़कीरा। एक वो पैदल ट्रैक वो जा रहा है पुराना रास्ता, और एक ये इस तरफ से भी नया रास्ता निकला है, यहाँ से बाइक वगैरह ईजीली चला जाता है। पिछली दफ़ा हम उस रास्ते से गए थे, इस दफ़ा ज़रा चाह रहे हैं थोड़ा आसान हो जाए रास्ता, तो इस तरफ से जा रहे हैं। वो थोड़ा ट्रैक जो है ना उस तरफ से, वो थोड़ा मुश्किल ट्रैक है। जी हमने वो सामने उस जगह पे जाना है, वो है बन फ़कीरा का स्तूपा, और ये घूम घुमाम के ना हमने इस तरफ से होकर उधर जाना है। बाकी ये इधर खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पर नीचे। तकरीबन हम आधे से ज़्यादा ट्रैक कर चुके हैं और थोड़ा ही रह गया। रास्ता ये वाला इजी है, दूसरे वाले ट्रैक से ना जो पैदल ट्रैक है उससे ये इजी है, तो अगर आप आते हैं तो इससे भी आ सकते हैं, उससे भी आ सकते हैं। जी हम वो वहाँ से होके ये ट्रैक आ रहा है, इस ट्रैक से होते हुए इधर आए हैं, और यहाँ से हमने इस तरफ जाना है ऊपर। जी और ये सामने हम पहुँच चुके हैं बन फ़कीरा के स्तूपा पे। जी जब पहले हम 2022 में आए थे ना, उस वक्त इसे किया हुआ था इन्होंने रिस्टोर, लेकिन ये फिर बारिश वगैरह से ना गिर चुका है एक साइड से। जी बन फ़कीरा का नाम मकामी ज़बान से अख़ज़ किया गया है, जिसके मुताबिक बन का मतलब पानी का ज़खीरा और फ़कीरा से मुराद ओलिया है, यानी कि ओलिया के लिए मुख्तस पानी का तालाब। इस जगह को मकामी तौर पर बन फ़कीरा कहा जाता है। इस्लामाबाद के पास मारगला की पहाड़ियों पर सतह समुंदर से तकरीबन 850 मीटर की बुलंदी पर यह वाक़ है। बन फ़कीरा का स्तूपा जो है वो इस्लामाबाद में दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा और कदीम तरीन तारीखी स्तूपा है। यह स्तूपा मकामी चूने के पत्थर से बनाया गया था, उसको तराश कर मुख्तलिफ शक्लों में, और इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि यह 2री ता 5वीं सदी ईस्वी में बनाया गया था। बाकी यहाँ पर इस स्तूपा की खुदाई से कुछ पुरानी चीज़ें भी मिली थी, जो कि इस्लामाबाद म्यूज़ियम में मौजूद हैं इस वक्त। जी और अभी ये हम स्तूपा से निकल के नीचे जा रहे हैं मस्जिद की तरफ, यहाँ पे काफ़ी देर बैठे हैं और रेस्ट वगैरह की है, अभी नीचे चलते हैं। जी ये थोड़ा सा ट्रैक साथ उतर के आगे मस्जिद है पुरानी एक, तो अभी उसकी तरफ जा रहे हैं। मौसम अच्छा है आज, काफ़ी गर्मी नहीं है ज़्यादा, इसलिए काफ़ी जो है ना इन्जॉय कर रहे हैं हम, तो एक अच्छा हमारा टूर हो गया। जी और ये सामने एक मस्जिद है पुरानी। जी इस मस्जिद के बारे में ख्याल किया जाता है कि इसे महमूद गज़नवी के दौर में बनाया गया था, लेकिन कुछ ख़ास इसके बारे में हमें मालूमात मौजूद नहीं है। बाकी ये सारा इसके छोटा सा एक तालाब है जहाँ में पानी जमा किया जाता था। हाँ
जी, और ये सामने नीचे जो है टैक्सला का एरिया सारा, वो पीछे ये नीचे जी गैडी फोर्ट है, वो भी बुद्ध मत का ये एक स्टूपा वगैरह यहाँ पे, और ये यहाँ पे कुछ खूबसूरत मंजर यहाँ पे। जी, और तकरीबन यहाँ पे हमने 2 घंटे स्पेंड कर लिए हैं, और नीचे मस्जिद देखी है, उसके बाद ये स्तूपा देखा है, और अभी वापसी का सफ़र शुरू किया है। तो मेरे ख्याल से हमें 30 से 35 मिनट लगेंगे नीचे जाते हुए, तो उसके बाद देखते हैं आगे खाना वगैरह खाना है, उसके बाद फिर घर चलेंगे इंशाल्लाह। जी, और अभी हम नीचे शाला ताकि उसके पास पहुँच आए हैं, और एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर की है, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।